हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ हिमालय टैन रिमूवल ऑरेंज फेस वॉश का रिव्यू शेयर करूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये फेस वॉश कैसा है, कैसा नहीं है गर्मियों के हिसाब से, और आप इसे यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं सारा डिटेल इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भी। तो आइए दोस्तों, अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं पूरे, मैं आपको पढ़ के बता दूँ कि ये फेस वॉश है क्या। तो ये बेसिकली ये फेस वॉश टैन रिमूवल फेस वॉश है, और आप देख सकते हैं इस पे साफ लिखा भी है हिमालय टैन रिमूवल ऑरेंज फेस वॉश वॉशेस अवेस टैन। जी हाँ, जिस तरीके से आप इस पे यूज करते जाते हैं, आपका जो टैन है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और इसमें ऑरेंज पील एंड हनी है, और ये आपको शायद इतना क्लियर में आपको तुमको इफेक्टिवली क्लींस विजिबली रिड्यूस टैन, और इसकी क्वांटिटी बात करूँ तो 100 ml। तो ये क्या है, आपके फेस को डीप क्लीन तो करता है, साथ में इसका पूरे फेस पर जो टैनिंग होती है उसको रिमूव करता है, और ये टैन रिमूवल फेस वॉश है। जी हाँ, टैन रिमूवल फेस वॉश का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करी क्योंकि गर्मियों में टैनिंग जो होती है बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम होती है, और हर किसी को टैनिंग हो ही जाती है। आप कितना भी सनस्क्रीन लगा लो, कुछ भी करो, कहीं ना कहीं तो टैन हो ही जाता है। तो गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है ये। अभी ये मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी, लेकिन आप कुछ टैन रिमूवल फेस वॉश या कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जिसको यूज़ करने से आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, टैनिंग भी खत्म हो जाए, तो आप इसको बिल्कुल चूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी, तो फिलहाल मैं बता रही हूँ। तो क्वांटिटी की बात करती हूँ तो ये इसका बड़ा पैकेजिंग है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ml है। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस है 130 rupees, आप देख सकते हैं। और इसका शायद छोटा पैक भी आता है, उसकी जो 50 ml आपको मिलेगा 70 rupees के आसपास। जी हाँ, तो ये बड़ा पैक है। और अब आपको बता दूँ तो इसमें है क्या क्या, बेसिकली इसमें आपको मैं जूम करके दिखा दूँ ताकि आप अच्छे समझ सके। तो हिमालय टैन रिमूवल ऑरेंज फेस वॉश इफेक्टिवली ब्लेंड ऑफ ऑरेंज पील हनी पैपिन विच विजिबली रिड्यूस स्किन टैन स्मूथ स्किन बाय जेंटली रिमूविंग डेड स्किन। तो मैं आपको बता दूँ इसमें पपायर हनी एंड ऑरेंज पील है, और आप सब जानते हैं कि ऑरेंज पील में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, उसके पल्प से कहीं ज़्यादा विटामिन हमें उसके छिलकों में पाया जाता है, तो ये ऑरेंज पील से मिलके बना है। तो सबसे पहली बात, जब विटामिन सी है तो आपके स्किन को लाइट एंड ब्राइट तो बनाएगा, साथ में आपके फेस से जो टैनिंग होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो इसमें है पैपिन, पैपिन जैसे बोले कि एंजाइम होता है जो बेसिकली जो पपाया होते उसमें पाया जाता है, तो पैपिन जो होता है स्किन को रिजुविनेट करता है, डेड जो स्किन होती है हमारी उसको करता है। जी हाँ, तो ये इस तरीके से आपको एक्सफोलिएट भी करेगा, और हनी जो होता है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन को डीप क्लीन तो करता ही है। और हाँ, मैं तो बताना भूल गई, जो हनी होता है वो उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो आपके फेस के डर्ट इम्प्योरिटीज को क्लीन करने के साथ साथ आपके स्किन को फ्रेश लुक भी ला करके देगा। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये तो बात होगी इसकी क्लेमिंग की ये है क्या, अब मैं आपको अंदर दिखा दूँ तो ये किस तरीके से दिखता है। तो बात करो इसकी स्मेल की, तो उसकी जो स्मेल है बिल्कुल ऑरेंज जो ऐसे आता है उस तरीके से स्मेल है, बहुत अच्छी फ्रेश स्मेल है, कोई बहुत ज़्यादा हार्श स्मेल नहीं है, ये जैसे बहुत ज़्यादा केमिकली हो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं आपको इसे निकाल के अपने हाथ पे भी दिखा दूँ, आप देख सकते हैं। जी, आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ऑरेंज कलर है, और बहुत जो कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो क्रीमी टेक्सचर इसका, बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं है इसकी, और फ्रेगरेंस बहुत ही फ्रेश है। जी, अगर आप मॉर्निंग में इसे यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्रेशनेस का एहसास होगा। और मैंने इसे यूज़ किया है तो मैं आपको बता दूँ, ये आपके फेस पे कम से कम 3 से 4 घंटे तक आपके फेस को बिल्कुल फ्रेश लुक ला करके देता है, आपके फेस के से जो ऑयल रहता है उसको रिमूव करके बिल्कुल फ्रेशनेस का ला कर देता है। मतलब 3 से 4 घंटे तक आपका फेस जो होता है बिल्कुल ऑयल फ्री रहता है, और आजकल की गर्मियों के हिसाब से ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे गर्मियों में यूज़ करते हैं बहुत अच्छा, आपके साथ आप मानसून में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइप का जो वेदर होता है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो बहुत पसीने आते हैं, उस हिसाब से ये फेस वॉश बहुत अच्छा है। और ये नेचुरल चीज़ों से मिल करके बनाया, तो बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको उसका टेक्स्चर दिखा दिया, कैसा यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता दूँ। तो आपको इसी तरीके जैसे मैंने अपने आपको दिखाया है, आपको इसी तरीके से अपने हथेली पर लेना है और थोड़े से पानी लेना है, उसे रब करिए और फेस की 1 से 2 मिनट तक की मसाज करिए, आपका फेस क्लीन हो जाएगा। और आप इसे दिन में 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, और धीरे धीरे अगर आप इसे यूज़ करते हैं मतलब तो कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे आपके फेस में जो टैनिंग है वो आराम से रिमूव हो जाएगी, साथ में आपके फेस को एक ब्राइटनेस भी ला करके देगा क्योंकि इसमें ऑरेंज एंड हनी है। तो दोस्तों, मैंने इसे यूज़ किया और मुझे इफेक्टिव फेस वॉश लगा, मतलब बाकी प्रोडक्ट जैसे मार्केट में आते हैं उन सब के हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका अफोर्डेबल है। अगर आप ये बड़ा ट्यूब नहीं लेना चाहते तो आप इसका छोटा ट्यूब भी ले सकते हैं, और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। इसकी बॉटल भी देख रहे हैं कितनी आराम से, ज़रा से भी आपकी बॉटल से बाहर नहीं आएगा,
तो ओवरऑल की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है, ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है, हिमालय का है, और हिमालय के जितने भी आप देखते होंगे प्रोडक्ट या फेस वॉश हो चाहे क्रीम्स हो, सब बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने इसके हिमालय का नहीं फेस वॉश है, मतलब केसर चंदन बहुत तरह की फेस पैक वगैरह यूज़ की, लेकिन बात करूँ उसकी तो ये बहुत ही अच्छा है, आपके टैन को रिमूव करेगा, साथ में आपके फेस को क्लीन भी करेगा। ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन हो, सेंसिटिव स्किन, सब स्किन वालों के बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी स्किन भी ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी स्किन को सॉफ्ट तो बनाएगा, लेकिन आपके फेस के जो ऑयल है उसको रिमूव करेगा। और सबसे अच्छी खास बात इसकी बोल तो, अगर आपके फेस पे थोड़ा सा भी मेकअप है तो उसको भी ये रिमूव करेगा। तो ओवरऑल मेरी बात करूँ तो फेस वॉश करने के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल यूज़ करने लायक है, अफोर्डेबल होने के साथ साथ बिल्कुल नेचुरल है। इसमें सारी चीज़ें जितनी भी पड़ी वो सारी नेचुरल है। तो दोस्तों बस यही रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाती रहूँगी। मैं मिलती हूँ हमेशा एक तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।